चैनल द फिजियो बेंच। सो कैसे हो आप सब लोग, आई होप अच्छे होंगे। माय नेम इज सपना त्रिपाठी एंड ऑन दिस चैनल यू विल गेट अमेजिंग कंटेंट रिलेटेड टू ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। सो व्हाई वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। टुडे वी विल डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ साइनेप्टिक ट्रांसमिशन। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, ये एक्शन पोटेंशियल टर्मिनल तक आता है, मींस एक्सॉन टर्मिनल तक आता है और कैल्शियम चैनल्स को ओपन कर देता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैल्शियम क्या कराएगा, एक्सोसाइटोसिस कराता है और न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करवाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहा है और न्यूरोट्रांसमीटर जो है जब यहां तक पहुंचता है पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरोन तक तो वो रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा। इससे क्या होगा, आयन चैनल्स ओपन हो जाएंगे, सोडियम का इनफ्लक्स होगा और यहां पर या तो आईपीएसपी होगा या तो ईपीएसपी होगा, मींस इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल होगा या तो एक्साइटेटरी होगा और इन दोनों का जो समेशन है वो एक्सॉन हिलॉक तक पहुंचेगा। एक्सॉन हिलॉक मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि यहां पर एपिजेनेसिस होता है। तो ये था मैकेनिज्म साइनेप्टिक ट्रांसमिशन का। टू टाइप्स के समेशन होते हैं, एक टेम्पोरल और दूसरा है स्पेशियल। टेम्पोरल में क्या होता है कि सेम साइड से हम लोग मल्टीपल ईपीएसपीज देते हैं अलग अलग टाइम पे, लेकिन स्पेशियल में क्या होता है कि अलग अलग साइड से देते हैं ईपीएसपी लेकिन सेम टाइम पे देते हैं। अगर समेशन क्रॉस करता है फायरिंग लेवल को तो ही एपिजेनेसिस होगा। एपिजेनेसिस के लिए कितना मिलीवोल्ट का पोटेंशियल चाहिए, तो प्लस 15 मिलीवोल्ट का। अगर इतना मिलेगा तो ही एपी प्रोड्यूस होगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर 3 ईपीएसपी हम लोग को मिल रहा है प्लस 5 मिलीवोल्ट का, तो ईपीएसपी कितना हुआ टोटल, प्लस 15 मिलीवोल्ट। आईपीएसपी अगर एक मिल रहा है माइनस 10 मिलीवोल्ट का, तो फिर समेशन कितना हो जाएगा, प्लस 5 मिलीवोल्ट। चाहिए कितना, प्लस 15 मिलीवोल्ट, मिल रहा है कितना, प्लस 5, तो देयर इज नो एपी। नेक्स्ट एग्जांपल, अगर 2 ईपीएसपी मिल रहा है हम लोग को प्लस 10 का, तो कितना हुआ टोटल, 20 मिलीवोल्ट ईपीएसपी हो गया। और एक आईपीएसपी मिल रहा है माइनस 5 मिलीवोल्ट का, तो इसका समेशन क्या होगा, प्लस 15 मिलीवोल्ट, और चाहिए कितना, प्लस 15, तो एपी प्रोड्यूस होगा। तो ये था कॉन्सेप्ट एपी का। दस न्यूरॉन्स प्रोसेस इंफॉर्मेशन बाय समेशन एंड What is processing? Processing is converting input to output. मैंने यहाँ पे डायग्राम में शो किया है, इनपुट गया ब्रेन में, प्रोसेसिंग हुआ, फिर आउटपुट आया, तो मसल्स क्या करेगा, या तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा या तो रिलैक्स करेगा। प्रॉपर्टीज ऑफ साइनेप्स, इसमें पहली प्रॉपर्टी है यूनिडायरेक्शनल कंडक्शन, जिसको दिया था बेल मैगेंडी ने, इसलिए इसको बेल मैगेंडी लॉ भी कहते हैं। इस लॉ के अकॉर्डिंग इम्पल्सेस जो है वो ट्रांसमिट होंगे वन डायरेक्शन में साइनेप्सिस के थ्रू, दैट मींस कि वो प्री से पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में जाएंगे। सेकेंड वन इज साइनेप्टिक डिले। ये क्या है, एक शॉर्ट डिले है जो कि ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस के दौरान होता है थ्रू साइनेप्सिस। इसका नॉर्मल ड्यूरेशन कितना होता है, तो 0.3 टू 0.5 मिलीसेकेंड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है साइनेप्स का फैटिग, और ये क्यों होता है, तो ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस मस्कुलर एक्टिविटी। मस्कुलर एक्टिविटीज अगर कॉन्टिन्यूअसली हम लोग अगर करेंगे तो साइनेप्स क्या होता है, फैटिग होने लगता है। नेक्स्ट वन इज समेशन। समेशन क्या है, फ्यूजन ऑफ मेनी सिमिलर इम्पल्सेस। लास्ट वन इज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी।
इसमें क्या आता है ईपीएसपी एंड आईपीएसपी। तो ये थे प्रॉपर्टीज ऑफ साइनेप्स।